नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, वेस्ट पड़े कपड़ों के छोटे छोटे कतरन, जो आज इसी का रियूज करते हुए मैं बहुत ही गजब का और बहुत ही प्यारा आइटम बनाने जा रही हूँ, जो आपको जरूर पसंद आएगा। और अगर थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं 4.5 बाय 4.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर एक चौकोर पीस कटिंग कर दूंगी। तो देखिए, इस प्रकार बराबर माप में यहाँ पर एक चौकोर पीस की कटिंग कर देंगे। तो इसी के माप के अनुसार और भी एक और पीस कट करूँगी। तो 2 येलो 2 ग्रीन और 2 ब्लैक कलर के मैं पीस कट करूँगी। तो देखिए, 2 पीस की कटिंग मैंने कर दी है। इसी के माप के अनुसार हमें 4 पीस और कटिंग करनी होगी। देखिए इस प्रकार। तो आप यहाँ पर चाहो तो अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हो। तो देखिए, मैंने दो दो सेम कलर के पीस यूज किए हैं और आप अपनी पसंद अनुसार इनको कलर के अनुसार सेट कर सकते हो। तो देखिए, मैं इस प्रकार इनको सेट कर दूंगी और इन पर सिलाई लगाकर इनको आपस में अटैच कर दूंगी। तो देखिए, सिलाई मैंने लगा दी है और ये आपस में अटैच हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, आप चाहो तो इसी के बराबर फोम ले सकते हो। अगर फोम नहीं हो तो राइस बैग और या प्लास्टिक शीट भी ले सकते हो। तो देखिए, मेरे पास एक शुगर का पाउच था तो उसकी प्लास्टिक शीट थी, तो उसी को यूज में ले रही हूँ और इसी के बराबर में मैंने कटिंग कर दी है। और जो भी एक्स्ट्रा है उसको सिलाई लगाने के बाद में कट कर देंगे। तो एक अस्तर का कपड़ा लिया है, बीच में प्लास्टिक शीट और ऊपर मेन फैब्रिक रखते हुए यहाँ पर इसके चारों ओर सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, देखिए, इसकी चौड़ाई आ रही है 13 इंच और लंबाई आ रही है 8.5 इंच। देखिए इस प्रकार। तो हमें एक और कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई 13 इंच ही लेनी है और लंबाई लेनी है 6.5 इंच। और इसी के बराबर अस्तर और प्लास्टिक शीट भी लेनी है और इनको भी आपस में अटैच कर देना है। देखिए इस प्रकार। और फिर इसी के माप के अनुसार हमें एक जिपर लेनी है और जिपर को इस प्रकार बीच में अटैच कर देना है। तो अभी मैं सिलाई लगाकर अटैच करके बताती हूँ। तो देखिए इस प्रकार, जिपर मैंने अटैच कर दी है और जो भी एक्स्ट्रा थी उसे कट करके निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, एक इसी के बराबर कपड़ा लेना है और इस प्रकार अंदर की साइड में कपड़े को रखते हुए इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, चारों ओर सिलाई लगा दी है तो ये हमारा एक सेपरेट पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसी पीस के बराबर हमें एक और पीस तैयार करना है। तो देखिए, इसी के बराबर कपड़ा और एक मेन फैब्रिक और अस्तर, प्लास्टिक सीट, इन सब को लेते हुए बीच में प्लास्टिक सीट रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको तैयार कर देंगे। तो देखिए, ये पीस भी हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए, ऊपर की साइड में एक कोने से दूसरी तरफ हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। देखिए इस प्रकार। इसी प्रकार दूसरे कोने पर भी हमें निशान लगाना है। देखिए इस प्रकार। तो 3 इंच पर निशान लगा देंगे। दूसरे वाले पीस पर भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, दोनों कोनों पर। आप वीडियो में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी के बाद में देखिए, मैंने 2 स्ट्रिप तैयार की हैं और इनकी लंबाई है 18 इंच और इन स्ट्रिप को यहाँ पर ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, ये सारे कपड़े मेरे अलग अलग हैं, बस थोड़ा थोड़ा कलर मैच हो रहा है। तो देखिए, इन स्ट्रिप को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये कपड़े की पट्टी लेनी है 1.5 इंच चौड़ी और इसी के बराबर लंबी, और इसको इस प्रकार सिलाई लगाते हुए उलट कर यहाँ पर इसको फिनिश कर देंगे। तो देखिए, दोनों ही पीस हमारे तैयार हैं सिलाई लगाकर। अब हमें क्या करना है, देखिए, इस कोने से इस कोने तक और यहाँ से ऊपर तक हमें माप लेना है और जितना माप आ रहा है उसी के बराबर हमें एक कपड़ा लेना है। तो ये आ रहा था मेरे 44 इंच, तो मैंने 44 इंच बाई 4 इंच चौड़ा 2 कपड़े लिए हैं और बीच में मैंने प्लास्टिक शीट लगाकर ये एक लंबी पट्टी तैयार कर दी है। अब इसको इस प्रकार अटैच करते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए, अभी मैं आपको सिलाई लगाकर बताती हूँ। तो देखिए, एक तरफ तो मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मैंने सीधी साइड में ही सिलाई लगाई है, उल्टी साइड में नहीं लगाई है। इसी प्रकार दूसरे वाले पीस को भी ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस प्रकार। तो
तो देखिए दोनों पीस पर मैंने सिलाई लगा दी है और सिलाई मैंने सीधी साइड पर ही लगाई थी, तो हमें बाहर एक पाइपिंग लगानी होगी। देखिए इस प्रकार, तो लगभग 1.5 इंच चौड़ी और 44 इंच लंबी एक पट्टी लेनी है और यहाँ पर इस प्रकार सिलाई लगाते हुए इसको फोल्ड कर देंगे। तो देखिए वो पट्टी मेरे थोड़ी कम हो गई थी, तो मैंने एक ब्लैक कलर की पट्टी ली है और उसको इस प्रकार फिनिश कर दिया है, जिससे इसका लुक और भी बहुत ही प्यारा आ रहा है। तो देखिए कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों का यूज करते हुए और एक प्लास्टिक थैली का यूज करते हुए हमने बहुत ही प्यारा बैग बना दिया है। और देखिए बहुत ही प्यारा बना है, दिखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। और आप इसको कहीं पर भी सब्जी वगैरह या शॉपिंग पर ले जा सकते हो। और देखिए अलग एक पॉकेट भी हो गया है जो जिपर लगाई थी हमने। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो ला सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।